हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, और वो विषय है जीवन शैली और स्वास्थ्य। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवन शैली का अर्थ क्या है। यह शब्द अर्थात जीवन शैली, जिसे हम अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल कहते हैं, एल्फर्ड एडलर द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसका एक सामान्य अर्थ ये लिया जाता है कि एक व्यक्ति का वो मूल चरित्र जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, अर्थात जिसकी नींव बचपन में ही डल जाती है। आपका हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो विचार है, जो हमारा परसेप्शन है, जो विश्वास है, और हमारा किस प्रकार का व्यवहार रहता है, जीवन शैली ये दर्शाती है। इसके साथ साथ जो हमारा इमीडिएट सोशियो कल्चरल साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है, उसके प्रति हमारा एडजस्टमेंट कैसा है, अडेप्टेशन कैसा है, और हमारा दृष्टिकोण कैसा है, ये सारी चीजें मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव रूप से हमारी सबकी जीवन शैली को प्रतिपादित करती है। अब इस विषय का दूसरा पहलू, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब यह है कि मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ अनुभव करे, मात्र बीमारी ना होना स्वास्थ्य नहीं दिखाता है। स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति रोग मुक्त होने के साथ साथ रोग मुक्तता का अनुभव भी करे, उसका उसे ज्ञान भी हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब संपूर्ण रूप से स्वस्थता में कई बिंदु आते हैं, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। ये एक ऐसी स्थिति है, अगर व्यक्ति इन चारों पहलुओं में स्वस्थ है और स्वस्थ अनुभव भी कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति स्वस्थ है। जो व्यक्ति अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अर्थात आत्मबोध की ओर ले जाता है और ले जाने का प्रयास करता है, या प्रयासरत है, या उस मार्ग की ओर प्रशस्त होता है, तो हम जान सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है, यानी कि स्वस्थता का वो अनुभव कर रहा है। अब जीवन शैली और स्वास्थ्य के बीच संबंध। जीवन शैली क्या? आपके जीने का तरीका, आपके जीने का अंदाज। और स्वास्थ्य मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दोनों को जब मिला दिया जाए, जीवन शैली और स्वास्थ्य को, तो ये व्यक्ति के व्यवहार के पूरक होते हैं। व्यवहार को दोनों चीजें मिलकर ही पूरा करती है। जीवन शैली एक महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्ति की बीमारी का और स्वास्थ्य का। व्यक्ति का जो जीवन का स्तर है वो किस प्रकार का होगा, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, ये जीवन शैली तय करती है। जीवन शैली स्वतंत्र नहीं है, तो फिर जीवन शैली भी किन्हीं कारकों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन से कारक हैं आपके? आपकी शिक्षा का स्तर कैसा है, जो आपका सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, किस भौगोलिक स्थान में आप निवास करते हैं, आपकी आवासीय स्थिति कैसी है, और आपके सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, आपकी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, वो किस प्रकार की है। ये सारे कारक मिलकर के जीवन शैली को दिशा देते हैं। यूं कह लीजिए कि जीवन शैली इन्हीं कारकों के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट होती है। जीवन शैली स्वस्थ प्रकार की भी हो सकती है और अस्वस्थ प्रकार की भी हो सकती है। ये तो व्यक्ति के ऊपर और उन कारकों के ऊपर निर्भर करता है जो मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस की, कि हमारी जो जीवन शैली है, इट कैन बी हेल्दी एज वेल एज अनहेल्दी। तो एक बार हम उन कारकों पर नजर डालेंगे जिन कारकों पर हमारी स्वस्थ जीवन शैली निर्भर करती है। अगर जीवन शैली स्वस्थ है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका स्वास्थ्य इष्टतम स्तर का होगा, ऑप्टिमल लेवल का होगा।
क्योंकि स्वास्थ्य का एक मुख्य और बहुमूल्य जो कारक है वो जीवन शैली ही तो है। वो कौन कौन से कारक हैं जिन पर स्वस्थ जीवन शैली आपकी निर्भर करती है? उचित पौष्टिक संतुलित आहार, नियमित शारीरिक व्यायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्याप्त नींद, मानसिक स्वास्थ्य, आत्म नियंत्रण और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। उचित पौष्टिक संतुलित आहार, ऐसे आहार का सेवन जिसमें शरीर को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं सभी हो। इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ होने चाहिए जिनमें फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, शुगर भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो और दूसरे प्रकार के पोषक तत्व भी उसमें होने चाहिए। अर्थात जब भी हम कोई भोजन ग्रहण करें तो हम ये ख्याल रखें कि उस भोजन में ये सारे आवश्यक तत्व क्या उपलब्ध है। उचित आहार की कमी के कारण शरीर में कई प्रकार की बीमारियां अपना घर जमा लेती है। व्यक्ति अपने आप को थका थका महसूस करता है, उसका जो प्रदर्शन होता है, परफॉर्मेंस होता है, वो पुअर हो जाता है, कमजोर होने लगता है, दूसरे रोग उसको घेरने लगते हैं, चिचड़ापन, मोटापा। मैं बहुत कम बीमारियों की यहां चर्चा कर रहा हूं जो कि उचित पौष्टिक और संतुलित आहार न लेने के कारण उत्पन्न होती है। और भी बहुत सारी डिजीज है जैसे कि डायबिटीज भी है, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी है। रिसर्च ये बताती है कि जिन बच्चों को उचित पौष्टिक और संतुलित आहार नहीं मिलता है उनमें वृद्धि और विकासात्मक समस्याएं देखी गई है और उनके जो संज्ञानात्मक परफॉर्मेंस है उसमें भी कमी पाई गई है। अर्थात उचित पौष्टिक संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग होना चाहिए जो कि आपकी जीवन शैली के कारण संभव हो पाता है। नियमित शारीरिक व्यायाम, करो योग रहो निरोग, योगासन, खेल, शारीरिक व्यायाम और दूसरे टाइप के स्पोर्ट्स आपके अच्छे स्वास्थ्य के मेंटेनेंस के लिए और उसको बनाए रखने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका संतुलित आहार। और मैं तो ये कहूंगा कि संतुलित आहार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नियमित शारीरिक व्यायाम। क्यों इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला इसका काम है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। अगर हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली, किले की दीवारें अगर मजबूत होंगी तो आवश्यक रूप से रोगजनक हमारे करीब नहीं आ पाएंगे। हमारे जीवन की गुणवत्ता को व्यायाम बढ़ा देता है, साथ साथ में हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी एक अच्छे स्तर पर रखता है व्यायाम, जिससे क्या होता है कि आपके शरीर में हर समय एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। अगर सकारात्मक ऊर्जा लगातार आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है तो ये एक फैक्ट है, ये तथ्य है कि रोग आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे। व्यायाम से संज्ञानात्मक प्रणाली में इंप्रूवमेंट होता है, वो अपने इष्टतम स्तर पर काम करती है, व्यक्ति को बहुत अच्छी नींद आती है, इम्यून सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया उसको ये इंप्रूव करता है, आपके जो हड्डियां हैं उनमें लचीलापन और मजबूती आती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, इत्यादि इत्यादि अनगिनत बेनिफिट्स होते हैं नियमित शारीरिक व्यायाम के। और ये एक पॉजिटिव जीवन शैली से ही संभव हो पाता है। रिसर्च बताती है कि अगर हम हर रोज लगभग 30 मिनट शारीरिक व्यायाम करते हैं, हमारे अंदर रोग से बचने की प्रतिरक्षा प्रणाली हमेशा मजबूत रहती है। व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन, जीवन शैली के जितने भी घटक हैं उनमें व्यक्तिगत स्वच्छता भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम दैनिक जीवन में अलग अलग जीवों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग इन्वायरमेंट से हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं और कुछ तो ऐसे जीव हमारे साथ इंटरेक्ट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते।
यह हमारी अंतक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब हमें ये पता है कि हम हर समय दूसरे जीवों से एनवायरमेंट में अंतक्रिया करते ही है और वो करना लाजमी भी है, तो क्या होता है कि हर समय हमारे ऊपर पैथोजेंस होते हैं, वायरस बैक्टीरिया, वो अटैक करने के मूड में रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें हमेशा रोग से ग्रसित होने का खतरा बना रहता है। और ये जो रोगजनक होते हैं, इनके खिलाफ व्यक्तिगत स्वच्छता एक ढाल का काम करती है, एक शील्ड का काम करती है। जो किले की दीवार प्राकृतिक व्यायाम निर्मित करता है, व्यक्तिगत स्वच्छता उस दीवार को और मजबूती प्रदान करती है। ये आपका एक प्रकार का व्यवहार ही तो है, जिसमें क्या है, समय समय पर हमें नहा लेना चाहिए, अपने हाथ धोते रहना चाहिए, जो नेल्स हैं वो ट्रिम हो, कटे हो, ओरल हाइजीन हमें मेंटेन करनी चाहिए, मुंह से जो स्मेल आती है, बदबू आती है, वो एक प्रकार से इंडिकेटर होती है आपके ओरल हाइजीन की कमजोरी का। ये सारी चीजें आती हैं व्यक्तिगत स्वच्छता में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ समय निकालकर हमें प्रकृति की गोद में बिताने की आवश्यकता है। प्रकृति की गोद में बिताया गया समय आपके जीवन में गुणवत्ता लेकर आता है और महत्वपूर्ण योगदान देता है। पर्याप्त नींद, नेशनल स्लीप फाउंडेशन ये कहती है कि हमें हर रोज प्रतिदिन 7 से 8 घंटे गुणवत्तापूर्ण नींद लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे का मतलब है कि जितना जीवन हम जीते हैं उसका लगभग 1/3 हिस्सा हमें नींद में गुजारने की आवश्यकता होती है। नींद करती क्या है? सारा दिन हम जब कार्य में उलझे रहते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, हमारी मांसपेशियों में, हमारे आंतरिक अंगों में, भारी अंगों में वियर एंड टियर लगातार होता रहता है। हम बहुत सारे विचार दिन में ग्रहण करते हैं, बहुत सारी सूचनाएं हम ग्रहण करते हैं। जब हम सोते हैं तो शरीर क्या करता है, जो दिन में हुए नुकसान की भरपाई करता है नींद के माध्यम से, जो सूचना हमने ली है उसका संपिंडन करता है, कंसोलिडेट करता है, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको रिटेन करके रखता है, इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करता है, जिसके फलस्वरूप हम सुबह जब उठते हैं तो अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। याद रखना, नींद उतनी ही जरूरी है जितना आहार, जितना व्यायाम। और अगर हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो संज्ञानात्मक कार्यों में जो हमें कमी महसूस होती है उससे हम बच सकते हैं, हृदय संबंधी बीमारियों से हम बच सकते हैं, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाता है, Type 2 diabetes से हम बच सकते हैं, डिप्रेशन से हम बच सकते हैं और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से भी बच सकते हैं। शारीरिक प्रदर्शन की मैं बात करूं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको ये बताया जाता है कि प्रैक्टिस के बाद सोना बहुत जरूरी है, उनको सोने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती, क्योंकि सारा दिन लगातार अभ्यास करने से उनके शरीर में वेयर एंड टियर होना लाजमी है, उसको रिपेयर करने के लिए नींद की आवश्यकता हो। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य एवं व्यवहारिक और संवेगात्मक समायोजन के संतोषजनक स्तर पर कार्य करने की स्थिति। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध आपके शारीरिक स्वास्थ्य से होता है और दोनों ही जीवन शैली पर निर्भर होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति में संतोष, जीवन में आनंद, परम अनुभूति, दबाव से मुक्ति, दबाव से निपटना, दैट इज कोपिंग फ्रॉम द स्ट्रेस, क्वालिटी इंटरपर्सनल रिलेशंस, समायोजन, अनुकूलन, कौशल, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, सेल्फ एफिकेसी, इन सब को जन्म देने वाला होता है। यानी कि अगर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो जो बातें अभी मैंने बताई वो सारे के सारे आपके उच्चतम स्तर पर होंगे। जो स्वास्थ्य और अगर ये सारे पहलू आपके उच्चतम स्तर पर है, स्वाभाविक रूप से जीवन शैली भी बेहतर होती है और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण किसी अन्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा या आवेग पर काबू पाने की क्षमता को कहा जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर, अपने इंपल्सिस पर काबू पाने में समर्थ होते हैं
तो समझ लीजिए हमारे अंदर आत्मनियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है। आत्मनियंत्रण एक मनशास्त्रीय संसाधन होता है, मतलब साइकोलॉजिकल रिसोर्स होता है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। अगर हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो ऑब्वियसली हमारा स्वास्थ्य और हमारी जीवन शैली बेहतर होगी। कई सारी तकनीक इंसान ने इजाद की है, जैसे योग और प्राणायाम तकनीक, अनुलोम विलोम, विपस्सना ध्यान, सुदर्शन क्रिया, भस्त्रिका, भ्रमरी योग, इस प्रकार की टेक्निक्स हैं जो हमारे अंदर आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देती है। आत्मनियंत्रण व्यवहार को रेगुलेट और कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा साधन होता है, और अगर व्यक्ति का आत्मनियंत्रण है तो जीवन शैली भी स्पष्ट रूप से बेहतर ही होगी। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उन परिस्थितियों से होता है जिसमें रहकर व्यक्ति विकसित होता है। जन्म से लेकर पंच तत्व में विलीन होने तक, इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति, नस्ल, जातीयता, लिंग और लिंग भूमिकाएं, अप्रवासन स्थिति और संस्कृति, गरीबी और अभाव, सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक सहयोग, मनोसामाजिक कार्यस्थल वातावरण, आय का वितरण, सामाजिक सामंजस्य, सामूहिक प्रभावकारिता आदि शामिल होते हैं। ये कारक व्यक्ति के लालन पालन के तरीकों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार की आदतों एवं दृष्टिकोण को विकसित करके स्वास्थ्य और जीवन शैली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हमारी आदतें, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा दृष्टिकोण सभी तय करते हैं, क्योंकि हम उसी वातावरण में विकसित होते हैं। अगर हमारा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण सही है तो स्पष्ट रूप से जीवन शैली सही होगी, हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा। दोस्तों, ये मेरे संदर्भ, आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। हमारी अगली परिचर्चा होगी दबाव का अर्थ। दोस्तों, वीडियो और वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो औरों को बताएं, कुछ कमी लगती है तो मुझे बताएं एक कमेंट लिखकर, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vamasujit@yahoo.com। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।